टीवी किंग कपिल शर्मा के शो पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि सुर्खियां बन ही जाती हैं। इस रविवार 1 सितंबर को जब छिछोरी की टीम पहुंची तो ऐसा हंगामा हुआ कि मजाक मजाक में कपिल शर्मा से 1 करोड़ रुपए की मांग हो गई। ये मांग किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि कपिल के खास आदमी ने ही की। हुआ यूं कि अपने एक्ट के दौरान कृष्णा जब सपना बनकर आए तो कपिल ने उनसे कहा कि वह छिछोरी के डायरेक्टर नीतीश तिवारी से काम ना मांगे क्योंकि उनकी फिल्मों में सपना जैसे किरदारों की जरूरत नहीं है। कपिल के इस बात के जवाब में कृष्णा ने कहा, देखो कौन बात कर रहा है, इनके घर में बधाई मांगने दिसंबर में जाएंगे और बदले में 1 करोड़ रुपए मांगेंगे। बता दें कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ इसी साल दिसंबर के महीने में पेरेंट्स बनने वाली हैं। इस नन्हे मेहमान के लिए कपिल और गिन्नी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कपिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अभी सिर्फ जनरल सामान खरीद रहे हैं जिससे बेटा हो या बेटी किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि झूला, सॉफ्ट टॉयज। किसी तरह की खास शॉपिंग तो बच्चे के आने के बाद ही होगी। कुछ दिन पहले कपिल पत्नी गिन्नी को एक वेकेशन के लिए कनाडा लेकर गए थे। इस बेबी मून के दौरान कपिल को गिन्नी की देखभाल करने का पूरा मौका मिला था। फिल्मी अड्डा से वैष्णो सोनी की रिपोर्ट।